भाई साहब कोई खेत में काम करे लारू बा बातों लेर गई खेत में आए जार बने बातों उतार के रोटी जिम लो अबे भाई साहब रोटी जिमने बैठा हजार बीस वालों टाइल बेजड़ो होगरो अरे गंगाणी वाला कांदा होइलारी रतोड़ी मिर्चा हाँ चटनी करियोड़ी भैसा टिकिया चून खाउन लारो अरे वो हेलो करियो रोटी जिमे गई बाबू बड़ी के थे था के जिम लो और हूं पड़ी चूल्हा में भाई क्यों चूल्हा में पड़ी मरेली गई आत्महत्या करेली गई दूसरे दिन और गई बातों लेर जिम हो गई बागू बड़ी के थे थार जिम लो हूं पड़ी दो महीना वेगा डायलॉग एक ही बोले थे थार जिम लो हूं पड़ी चूल्हे में भाई मन में विचार करियो रे बेटी चूल्हा में पड़े जन बड़े तो कोने कटे कटी टाकी लागनी चाहिए कटे कटी का बोई बढ़नो चाहिए कटे कटी फालो ही कोने बियोड़ो एरा चूल्हा में पड़े तो कोने पड़े तो कटी दूजी जगह नी वे तो चलो चूल्हो चेक करो बिना कहो तू थोड़ा बड़ चरा माट माते हूं थोड़ा गामे जाऊं कने जरदो भूल गो अबे दौड़ी दौड़ी गांव में गयो जार चूल्हा ने चेक करे तो चूल्हा में बेटी बानी बानी में उठियोड़ा तीन बाटा आधा आधा किला रहा चूल्हा रे लारे गिलोड़ी गेहूं भरी मुंडा तय एक किला वो गिरीश वालो डबो भरियो शकरू भाई मन में विचार करियो ठ ठ ठ ठ ठ डाकना आटे लावा ले आ तो 3 बजे आए नाटे ब्रेकफास्ट लंच डिनर भेड़ा करे जने चूल्हा में पड़े बापड़ी बाटा खाई कान वेगी लूणी वालो रसगुल्लो वेजू एन मने होइलाली मिर्चा खाड़काण कर दियो बीकानेर वालो पापड़ वेजू अबे काटी टिकियो तीनो बाटा चूरिया परात में दियो करने घी राई क्यों नीर कीड़े रखनी शक्कर आके नी पूरी ठग फेर मुचे माते हाथ अरे ठग गणेश वालो जरदोन बढ़ गयो खेत में जार हेलो करियो रोटी जी में गई बाव आगू बड़ी केवे थ थार जिमलो हूं पड़ी चूल्हा में भाई केवे चूल्हा में तो बंदो पड़गो आज कोई फेरो बावड़ी वे नहीं कर लीजिए घना दिन व्यर्थ ने घर खाओ तीन पीणो तीन दिन हजे में क्यों जावे कटे तो पतिव्रता रो नेम पहले आप पति ने जिमावे और फिर बाद में आप जिमे बोरा भला ने काल में पाड़ने सांदे बोरो वे काल में घर मांगना जिया वो बोरो कामरो नहीं काल में मांगना वो बोरो नहीं अगला जलमरो दुश्मन है चौधरी सेठा को लिया हजार रुपया उधारा सेठ लिख दियो खातो चौधरी एक साल कौन दिया दो साल कौन दिया तीन साल काल पड़ गो चार साल काल पड़ियो पांच साल काल पड़ियो पर सेठ जी कलम कौन रुके हजार को ब्याज ब्याज को ब्याज ब्याज रो ब्याज चक्रवर्ती रा बाजी बेड़ा जोड़ दिया अनु चौधरी रे खेत में मूंग बिया पचास बोरी सेठ गयो खातो लेर चौधरी हाँ रुपया पचास हजार वेगा अरे सेठा रुपया तो हजार लियोड़ा बोले रुपया पचास हजार के तो देर भीतर गाँव बेड़ो करो अबे खेड़ी करी चौधरी क्यों शेठा मेरे कने पैसो कोनी शेठ घूमता घूमता ने राम द्वारा का नहीं आया रे चेतन जी महाराज मिल गया बोले शेठा खाता काटा फिरो बोले कहीं करो रुपया दी उड़ा चौधरी रुपया नडगो अब बाबू जी तो बोले घिलोड़ो टेक दियो पया कौन देवे बोले हाँ केस बोली मुकदमा करो बोले क्यों जन मुकदमो तो थारो घर डूब जाए दो नारो यार करता हो तो खेड़ा पो बाकी मैं तो कहूँ राजीव हूँ निवड़ जाओ बोले नहीं मुकदमा करूं बाबूजी बोले जाओ पर मैं तो कहूँ मुकदमो मत करो शेर जाई पुरन कर दियो मुकदमो अनु बाबो फिर तो फिर तायों तक बाबूजी मिल गया बोले बाबा खाता कलड़ा फिरो बोले बाबूजी शेर कर दियो केस बाबूजी क्यों केस तो नितरी कर दियो बाबा थू टेक दे करोश केस जमीन दो नारी छोपी थी वो कहीं हो रहा भाई जाए घर तो ऊंदरा ना बड़े पड़ ला रहे घर तो गांचीरो बड़े ऊंदरा कहीं मज हो रहा भाई जाए इया कर बाबो कियो करोश केस करने दोनारो मुकदमो नागौर में एक दिन सुनवाई सेठ ही वकील करियो बाबू ही वकील कर लियो मार जेड़ो घणो बोलना वालो बाबा रो वकील मार जेड़ो बोले बाबा खातो झूठो चौधरी के खातो कहीं झूठो लिखना वालो झूठो हजार रुपया लियो वकील साहब पचास हजार झूठा है वकील साहब कहो चौधरिया थारो खातो फोगट में आयो कराए दू फ्री में पर मारी फीस का रुपया ले चार हजार बाबो कहो वकील साहब थाने चार हजार दे देऊं पर इन पचास हजार सेठ ने कोनी देऊं थे मुकदमो लड़ो वकील साहब कहो चौधरी एक काम करना पड़ी बोले कहीं जज पूछेला सवाल तीन उत्तर देनो एक सवाल तीन उत्तर एक थारो खातो आयो बाबो कहो उत्तर कहीं है खाली उत्तर उत्तर बताए दो सवाल तो तकलो पूछी उत्तर एक ही है तने पूछेला शेठा ने जाने कहीं तने इतो ही करो फुर शेठा ने जाने कहीं फुर पैसा लिया कहीं फुर देवनो विचार है कहीं फुर बाबू कहो फुर करनो खातो आयो वे कहीं क्यों तक तक वे बस थने खाली फुर करनो क्यों ठीक अबे बाबा ने खटखटा में खड़ो करियो आने शेठ ना ने बाबू और पीछे जज ना ने वकील जज पूछो चौधरी
सेटा को जानता। चौधरी बाबू कहे फुर पैसा लिया, बोले फुर। अरे तो देवनो विचार है कहीं, बोले फुर। जज पूछियो कहीं माता रा तार छुटोड़ा है कहीं, बाबू कहे फुर। जीते वकील बोलियो करे के माता रा तार छुटोड़ा है, ओ कहना पया लेवर कहना देवे शेठ झूठा खाता गरीबा ने लिखे, कोई रुपया लिया कोई टका शेठ जी तो मारे गरीबा ने। जज साहब बड़ो होशियार हो, शेठ ने दो तीन बातें होने, शेठ शर्म नहीं आती तेरे को, गरीबा का खाता लिखन लावे जमी बेचने का ढंग करावे, जाप लाल पेन घुमा दियो खाता माते, बाबा रो खातो आयो। अरे बाबो धंधे रेड़ी गाड़ी छड़ियो जत लारू वकील की जावे कटे, बाबो के गाँव जाऊ, अरे मारी फीस का 4000 रुपया तो दे दे, बाबो के फुर। अरे बाबा फुर करनो फीस छूटे गई, बाबो के मैं 55000 छूटे, अकल कौन देवी, वकील की मैं देवी जन फुर। जन्म मरण का खाता वकीलों का ने छूटे, तो दुनिया रा वकील है संत महापुरुष और कटगड़े रा वकील है जजरे मुंडा के मुकदमो जितौनिया वकील काला कोट वाला, और अटे संसारो मुकदमो जितौन वाला वकील महात्मा संत महापुरुष है। जन्म मरण का खाता रहित करावे, बोरा भला ने काल में पालने सांदे, यार सगो बलोन रादी छाती हगो गनई थी कामरो को नहीं उठवा राम राम सा ठा पड़गी भेजिए काजिया गाले छात बजता ही दे डेरो। हाल तो दो कोप लिया बस भेरू के उगा कौन उगा बस जड़ा मैं लिया बे फोकट में हतावे जगह गिटन पीर वे कर जाको आदिन वेगा छाती रान दे तुम। हाँ घना और मैं जानू साहब घना है भुगते जवाई बलो ने कटे जो उनको कायदो जवाई। एक दिन हारे में छोको लागे, दूसरे दिन एक दिन आवे जन के कंवर सा आया, दूसरे दिन जावे जन के पावना आया, तीसरे दिन रेजी आवे जन के वे जवाई सा, यार 4-5 दिन छाती रांदे न रेवे जन के फलाण गिरो घरे हो घरे तो दान पीसा को नहीं मरे छाती रांदे आटे बैठो 15 दिन भी आ जवाई बलो न कटे जुण को काई दो पावनो हारे में जार बेड़ गो सासु गयो जाओ को नहीं पावनो के दाना दाना माते नाम जो लेनो पड़ी बहा सु गयो अगली बोरी माते थारो नाम उचलेर बीर वे पावनो बैठो बोरी ऊंची माता माते ए ली जाए बिलो के ने एक दो दिन पाछो आई को धोक दे हूं बसा सु गयो अबे काई वियो बोले एक कट्ठो लार रे गो ओ उंचलेर बीर पावणो गियो कट्टो नेक परों तीज दिन पाछो प्रणाम करूं सासु की आटी दे अबे कोई प्रणाम करना कोई बात चुपचाप 15 दिन आटी छे 20 दिन पावणा ने हार हम राख दियो जते पावणा रे गणित समझ में पावणो दौड़ियो दौड़ियो जार आपरी दादी हूं ने कयो दादी हुई 92 साल की डोगरी मुंडा में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं डोगरी मुंडा में हवा निकले फुटोड़ा टूप निकले जो सुख 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 पावणो जार कियो दादी ने दादी मां मारी सासु के तो मने रोजी ना ऊठ मार पीर करे हीक देवे आज 15 दिन वेगा मने आटो घार है मेरा के कई बात है जाऊं को केवे ही कोनी बा दादी असु के पावणा थे जानो कोनी थारी सासु बड़ी होशियार है स्वार्थी है लोभण है बोले कई करे थे जानो कोनी बोले हां। अरे पावणा थे पहलाण दिन आया ना उन दिन मारे घर में भैंस गई भैंस को पाड़ियो मरगो अबे पाडा बिना भेस दुवाड़े कोनी थे मारा पावणा फूटरमल फूटरा गणा थे ईश्वी गुरु गोरा पावणो देखियो हो तो काळो कट फेरन लवली रा कड़ाव में उबो कर दियो हो तो ईश्वी गुरु छोको लागे। हां पूरो पावणो देखियो रूप रो डळो रूप तो जरे है। अरे पावणा थे फूटरा गणा ईश्वी गुरु गोरा थारी सासु बड़ी होशियार अरे ठांडरे कने ले जाए खूंटा कने थाने उबा करे ने पछि भेस ने दुए यार भेस थाने देखे जन देखे फाड़ियो उबो है जन छे हाथ गिला दूध निकले पावणा तो हाल मीनू भरी छाती और रांदी थारी पावणो कई रीजे जाड़ो छोको है जवाई बना ने कटे जून का कायदा कई बेताल सुन विक्रम ए बाता में कोनी फायदा महात्मा और समझावे वाणी में एक भजन और सुनो आपने राम राम तो सब कवे ठग ठाकुर ने चोर पण प्रेम बिना नहीं रिजे मेरो नटवर नंद किशोर प्रीत है जा पर्दा नहीं र पर्दा है वा नहीं प्रीत प्रीत पर्दा एक घर मिले समझो वो दुश्मन की रीत जिन घर में प्रेम है बट पर्दो नहीं है जट घर में अपने प्रेम देवे ना बट कोई तेरे को पर्दो नहीं वेला रसोई में जा रोटी जिम सको क्यों जिन घर में प्रेम है उठ आप कटे ही खानो जिम सको
प्रेम है वहां पर्दा नहीं, पर्दा है ना प्रीत। और जट पर्दो वे उन घर में कभी प्रेम को नहीं मिलेना। बारला कमरा में बिठाई दे, उठी तो रोटी, उठी चाय, उठी कप, उठी पाचा बारे आ कौन बतावे वो पूजा घर है, रसोई है, काटू नाल छे। पर्दा प्रेम एक घर में मिल जावे तो समझो वो मोटो दुश्मन है। महात्मा भजन में लिखे हैं, मेवानगर का राजा राहुल मालदेव की धर्मपत्नी ठाकुर उगम सिंह जी महाराज की शिष्या रानी रूपाबाई महाराज भजन में फरमाया।